हाँ भैया आ जाओ सामने। कौन कौन कह रहा था जैसे चाहेंगे वैसे तोड़ देंगे और हमारे गेंदबाजों को पहले ही मैच में फोड़ देंगे। वह इंडिया वालों, वह भैया सुमन गिल कहाँ गए तुम्हारे वो लप्पू झन्ना खिलाड़ी। अः दरोगा जी कसम से भैया इनने तो हमारा जीना हराम कर दिया। मैच से पहले तो इतनी तगड़ी तगड़ी ऊंची ऊंची बातें, अः भैया हम तो परेशान हो गए इनकी बातें सुन सुन के। अब देख लो इनका मुंह कैसा फटा हुआ है। हाँ भाई सुमन गिल, अः भैया तुम भी खूब डंका पीट रहे थे भैया, यो कर देंगे पहले मैच में वो कर देंगे। भाई ये कोहली रोहित का जमाना ना है, T20 में अब तुम लोग हो पजामा फटा डला रहेगा तुम्हारा, समझे। कोहली और रोहित थे वो बात अलग थी भैया, अब के टाइम पर कुछ भी ना होना जाना। डंके की चोट पे तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी और हल्की हल्की टीमें तुमको हराएंगी, ये बात हमेशा के लिए राइट हो जाएगी, समझे। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिकंदर राजा तूने हमको दिला दिया मजा ताजा ताजा। अरे भाई क्या काम किया है, सरेआम किया है, इंडिया वालों को तूने बदनाम किया है। वह सुमन गिल, वह भैया कहाँ गए वो रोहित और कोहली, वह बड़ा डंका पीटते थे भाई तुम्हारे नाम का। वह भैया बुला लो उनको भी बुला लो, वह वर्ल्ड कप में हमको हरा के बड़े 30 मार्खा बन रहे थे, अब देख लो ये क्या हो गया भैया, जिम्बाब्वे से हार गए। वह थू ऐसी टीम पे भैया, बताओ इतनी तगड़ी बेइज्जती। अरे भाई दरोगा छपरी, वह ससुरी वाले नलायक हराम खोर, वह जवान संभाल के बात कर समझे, अगर ज्यादा जवान चलाएगा तो यहीं के यहीं तेरी जवान खींच लूंगा। अः हमने कोई कसर ना छोड़ी है भैया, फिर भी हमारा रूल थोड़ा अलग है। देखो भाई कोहली भाई और रोहित भाई का जमाना था तो उनके रूल थे, अभी हम लोगों का जमाना है तो हमारे रूल चलेंगे, समझे। और हमारा रूल ये है, पहले मैच में हम जानबूझ के हारते हैं, उसके बाद बचे हुए सभी मैचों में दुश्मनों को धुआंधार मारते हैं, समझे। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रवि बिश्नोई गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने तो गेंदबाजी में भी जिम्बाब्वे की टीम खूब धोई, लेकिन भाई गलती क्या, गलता तो हम लोगों का है बल्लेबाजों का। अब वो देख लो अभिषेक शर्मा IPL में डंका बजता था इसके नाम का, और यहाँ पे आके पहले ही एकदम शुरुआत में ही उसने हक्के रख लिया। वाह भैया ऐसे काम चलेगा, ऐसे तो भैया पूरी टीम लुल हो जाएगी, उसको समझाना पड़ेगा, कान खींचने पड़ेंगे उसके, ऐसे थोड़ी खेला जाता है T20। बताओ जिम्बाब्वे जैसी हल्की टीम के आगे तुम ऐसे लुल हो जाओगे 0 अंडा मार के, तो कैसे काम चलेगा। बाकी सिकंदर राजा अगली बारी हम तुमको दिलावाएंगे मजा ताजा ताजा, ऐसे हल्के में नहीं है हम और किसी से नहीं है कम, हवा तुम्हारी निकाल देंगे और एकदम दरोगा का भी एकदम खोपड़ा एकदम लाल कर देंगे। अरे भैया तुमने देखा कहाँ है अभी, सुमन गिल जब भी खेलता है खुल के खेलता है, और पहले मैच में हारने के बाद दूसरे मैच में बहुत ज्यादा पेलता है। अबे यो लंबी लंबी सुन के ही तो हम परेशान हो गए भैया, पहले भी मैच से पहले तुम लंबी लंबी मार रहे थे, अभी भी तुम मैच से पहले लंबी लंबी मार रहे थे, अब देख लो भैया यही कहानी तुम लोगों की है। अबे हार जाते हो तो बहाने बनाते हो, जानबूझ के हार गए, ये हो गया वो हो गया। हम तो ये कह रहे भाई नाम है हमारा सिकंदर राजा, और जिसको हमसे लड़ना हो वो सामने आ जा। अरे भैया कौन कौन बकवास कर रहा था, अब तो आओ सामने। अरे भैया ऐसे कमजोर ना है, हमने कहा था बुढ़ापे है हम, बुढ़ापे और बुढ़ापे धोनी भाई के साथ साथ हमने क्रिकेट खेला है, तुम तो कल के लौंडे लपोड़ो हमको क्या हराओगे। अरे जी जान लगा देते हैं जहाँ भी खेलते हैं, और हल्की टीम मिल जाए तो हम उसको खूब पेलते हैं, समझी। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिकंदर। अरे भैया हम तो ये कहते हैं जलवा है सिकंदर का, और इंडिया वालों को तूने तमाशा दिखा दिया अच्छे खासे बंदर का। अरे भाई इंडिया वालों की तो ऐसी हवा निकाली भाई मजा दिला दिया। अरे भैया सुमन गिल, अरे हमको तुम ये बताओ मैच हारने के बाद लगता कैसा है, जब तुम मैच हार जाओ उसके बाद तुमसे कोई मजे ले। अरे भैया हम वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, ये तो वैसे ही मैच है लप्पू झन्ना, हम तो फाइनल हारे थे उसके बाद मौज काटी गई थी हमारे साथ, अब तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है। अरे दरोगा बेईमान कलूटे इंसान, वह छपरी खिलाड़ी भाई तुझको हम क्या बताएं, तो ये कह दे भाई यहाँ से खड़े होके भाग जाओ बढ़िया रहेगा, वरना तुम कुट के जाओगे, समझी।